जो है वो बुरी तरह से, वाकई आज की घड़ी बहुत खूबसूरत घड़ी है, वाकई एक अच्छी घड़ी है और अच्छी शुरुआत है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी अपनी नशस्त पर बैठिए। दो तरह के हमारे मसाइल है, एक हमारा जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसे तनख्वाह नहीं मिल रही या बहुत कम तनख्वाह मिल रही है। क्या ये वर्किंग जर्नलिस्ट जो है बड़ा अखबार लिखता क्या है और छोटा क्या लिखता है? छोटा क्या अपने घर के हालात लिखता है और बड़ा पूरे मुल्क या पूरे इंटरनेशनल लेवल की खबरें छापता है? मैं क्या मुंह लेके जाऊं किसी दूर दराज इलाके में, मैं तो अपना मसला हल नहीं कर पा रहा और मैं चुपचाप के अचूक आपको तबाही की तरफ ले जा रहा। घोलने वाले बड़े दरवेश होते हैं, मोहब्बत घोलने वाले बड़े दरवेश होते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे जैसे हमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, अगर हम ऑफिस एकोमोडेशन की बात करेंगे, अगर आप ये जो एस्टेट वाले हैं, ये हालात है कि वो बच्चों के स्कूल का फीस अदा नहीं कर पा रहे। आता हूँ कि पहले इन्होंने कहा, पहले इकबाल साहब ने कहा हमारा अंजाम। मुबारकबाद है कि ऐसे सेमिनार्स, ऐसी इंटरेक्शंस होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरी में तब्दील हुआ है तो हमें यही उम्मीद है कि चंडीगढ़ और दिल्ली की तरह हम भी फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी बने और हम सब का भी विकास हो। जो चीज़ें 70 सालों में नहीं हो सकी पॉलिटिक्स की वजह से या किसकी वजह से, हमें नहीं उस पर चर्चा कर। जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं वो प्रेस के हवाले से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, चाहे फिल्म पॉलिसीज हैं, चाहे टूरिज्म रिलेटेड पॉलिसीज हैं, और उसका फ़ायदा हर इंसान को होना चाहिए। और ये जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो प्रेस क्लब की है, प्रेस इनक्लेव की है, वेलफेयर स्कीम्स की है, वो इकट्ठे होकर ऑनरेबल एलजी साहब के टेबल पे लानी चाहिए ताकि उसको रिड्रेसल जल्दी हो और आप सब लोग, हम सब बरादरी के लोग जो हैं वो आगे बढ़ सकें और कंट्रीब्यूट कर सकें अपनी प्रॉस्पेरिटी में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की। सर एक सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि हम सब इकट्ठे नहीं होते, हम सब एक दूसरे की वेलफेयर की बात नहीं करते। आज उसकी शुरुआत हुई है और जम्मू में भी ऐसे सेमिनार होंगे। हम जितने आपस में जुड़ेंगे राइट थिंकिंग पीपल ऑफ मीडिया, उतना ही बेहतर मीडिया राइट थिंकिंग अप्रोच में आगे चलेगा। उसके लिए मुझे लगता है एलजी साहब और उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा पूरा ताउन देगी, इसकी मुझे पूरी उम्मीद।